हम लोगों ने जो है पत्रकार वार्ता इसलिए आयोजित की कि 11 अप्रैल को इस इलाके में लड़ने वाले क्रांतिकारी ख्वाजा नाइक का शहादत दिवस है। उस शहादत दिवस के दिन ख्वाजा नाइक की मूर्ति की स्थापना हम चाचरिया फाटे पे कर रहे हैं, तो इसलिए जो है पत्रकार वार्ता कर हम क्षेत्र के सभी लोगों को आमंत्रित भी करना चाहते हैं और उसके बाद में साथ साथ में यहाँ पर लड़ने वाले जो क्रांतिकारी रहे हैं आज़ादी आंदोलन के समय, तो उन क्रांतिकारियों को याद करते हुए ख्वाजा नाइक के साथ में हम लोग यहाँ और अन्य लोग जो आज़ादी आंदोलन में लड़े हैं उन लोगों को याद आज़ादी आंदोलन के समय लड़ने वाले लोगों को याद करेंगे और वो लोग आज की तारीख में नहीं रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि जो है इस कार्यक्रम में जितने भी सेंधवा एवं सेंधवा के आसपास बड़वानी खरगोन जिले में जितने क्रांतिकारी रहे हैं उन क्रांतिकारियों के चित्र इकट्ठा करके उनको भी सम्मानित करेंगे, उनके परिवार के सदस्यों को भी हम पता करके उनको इस कार्यक्रम में आमंत्रित कर रहे हैं और उनको भी सम्मानित करने का काम करेंगे। साथ ही कल बड़वानी जो है केंद्रीय मंत्री अग्रसेन क्लब से पूछे थे, उन्होंने अपने बयान में कहा कि जयंत जो है वो उनका भाई है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें जो है जितने भी मध्य प्रदेश में आदिवासी संगठन काम कर रहे हैं उन काम वो कहीं ना कहीं जो है सरकार की योजना और सरकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए लोगों को अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं। तो लोगों को जिस तरह से जो है सरकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है और समाज को कहीं ना कहीं जो है विकास की गति मिल रही है या समाज को जो है फायदा सरकारी कार्यक्रमों से हो रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं जो है वो आदिवासी समाज की ताकत को देखते हुए भी ये चीज़ कहा होगा कि जयेश हमारा भाई है। कल जो सभा होने वाली है कहाँ से लोग शामिल होंगे? 11 अप्रैल को जो सभा होने वाली है उस सभा में जो है मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से आने वाले हैं, सभी जिलों से आएंगे और महाराष्ट्र और गुजरात से भी हमारे साथी जो संगठन काम करते हैं उन संगठनों के प्रतिनिधि आएंगे और वक्ता लोग भी आएंगे साथ में। और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हम लोग जोड़ रहे हैं कि भारत में सबसे पहले शिक्षा का शुरुआत करने वाले ज्योतिबा फुले का जन्मदिन है, तो हम लोग जो है ख्वाजा नाइक का शहादत दिवस और ज्योतिबा फुले का जन्मदिन भी उसी दिन जो है मनाने का कार्यक्रम करेंगे।